अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है बेटा, आप सब लोग खैरियत से हो। एक्सरसाइज 2B बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने ये फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, साथ उनकी वर्किंग भी फाइंड करनी, मतलब आगे सॉल्व भी करना है। अब देखिए बेटा, एडिटिव इन्वर्स फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ लोगों को, जैसे 2 है हमारे पास, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा? -2। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया? -2। इसी तरह अगर इसको सॉल्व करेंगे, 2 हमारे पास गिवन वैल्यू थी, इनका वर्किंग सॉल्व करें, इनको दोनों को सॉल्व करें, इसका आंसर जब इनको सॉल्व करेंगे इसका आंसर 0 आ जाइए। हमारे पास गिवन वैल्यू 2 थी, इसका एडिटिव इन्वर्स -2 आया था, दोनों को सॉल्व किया, क्या आ गया? दोनों इक्वल, आपका आंसर क्या आ गया? 0 इक्वल आपका आंसर आ गया। अब आपके पास 2 है, इसका बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है, अगर 2 है इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब इसके नीचे ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे ऑलरेडी 1 है, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 2 गिवन वैल्यू हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इसका 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल, इसका इक्वल आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसकी आइडेंटिटी आपके पास 1 आ जाएगी और एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी 0 आएगी, जो जब उनको वर्किंग में सॉल्व करेंगे। बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमारे पास है -7 बेटा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या है? +7 आ गया। दोनों को सॉल्व करें, -7 और +7 ये हमारे पास वैल्यू, दोनों को सॉल्व किया हमारे पास, क्योंकि 7 माइनस और +7 आपस में कैंसिल हो गए, हमारा आंसर क्या आ गया? 0। इसकी एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी आपके पास आ जाएगी 0। आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -7 है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, उसका मतलब इसके नीचे ऑलरेडी 1 है, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, और नेगेटिव का जो साइन होता है वो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही रहता है, क्या आ जाएगा? -1/7। अब अगर इनकी वर्किंग सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? -7 जो गिवन वैल्यू, और इसका एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, पास दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 × -1/7, 7 से 7 कैंसिल, -+, हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आंसर हमारा आ गया। इससे अगला क्वेश्चन देख लें बेटा, 99/17, उसका बेटा एडिटिव इन्वर्स प्लस की वैल्यू तो माइनस की हो जाएगी, प्लस की वैल्यू तो माइनस की। अब सॉल्व करें दोनों को, 9/7+, क्योंकि एडिटिव में मतलब होता प्लस, और एडिटिव इन्वर्स में वैल्यू क्या है? -19, उसकी वैल्यू लिखी -19/7। प्लस माइनस हमें पता है माइनस होते हैं, तो ये प्लस की वैल्यू और माइनस की कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया? 0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 19/17 का? इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, क्या आ जाएगा? 17/19। आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वर्किंग देखते हैं, क्या आ जाएगा? 99 आपके पास आ जाएगा 9/17 ये गिवन वैल्यू, और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 17/9 है हमारे पास, दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल, 17 से 17, 9 से 9, हमारा आंसर क्या आ गया? 1 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट देखते हैं बेटा, डी पार्ट हमारे पास क्या है? एडिटिव इन्वर्स बेटा -4/5 का एडिटिव इन्वर्स देखिए, माइनस वैल्यू है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, 4/5 माइनस थी वो प्लस में बेटा वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब इनकी वर्किंग सॉल्व करते हैं, -4/5 ये गिवन वैल्यू हमारे पास है, प्लस एडिटिव का मतलब आ जाएगा प्लस, और एडिटिव इन्वर्स की वैल्यू 4/5 है, दोनों को सॉल्व किया, माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो गए, हमारा आंसर क्या आएगा? 0। एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? 0 इसका आंसर आएगा। आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, माइनस हमारे पास 4/5 है, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्या आ जाएगा? -5/4। आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या आएगा? अब देखिए, -4/5 गिवन वैल्यू हमारे पास आएगी, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -5/4। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 5/4 देखें, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड आपस में कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1।
ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी आ गई 1 इज ये बेटा आज का आंसर आ गया। अब देखें एफ वाला क्वेश्चन, पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, नेगेटिव 1.34, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस में वैल्यू कन्वर्ट होगी। आगे सॉल्व करेंगे, एडिटिव मतलब इनको ऐड करेंगे, इसका आंसर 0 आना चाहिए। माइनस नेगेटिव 1.34 गिवन वैल्यू और एडिटिव इनवर्स की वैल्यू किया 1.34, दोनों को ऐड किया क्या आएगा, वैल्यू माइनस की और प्लस की कैंसिल, हमारा आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमारे पास नेगेटिव 1.34 है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, उसका मतलब इसके नीचे ऑलरेडी 1 है। वैल्यू रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। क्या आएगा, माइनस वन ओवर 1.34। अब इनको आगे इनको सॉल्व करते हैं, गिवन वैल्यू माइनस 1.34 मल्टीप्लाई अब बस वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 ओवर 1.34, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया 1 इक्वल 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी हमारे पास 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बेटा फ्रैक्शन, हमारे इसको सॉल्व करते हैं, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दें, 7 और 6 कितना हो गया 13 ओवर 7। अब देखिए इसकी एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगी, वैल्यू प्लस में है तो क्या होगी, माइनस में माइनस 13 ओवर 7। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, एडिटिव में गिवन वैल्यू 13 ओवर 7 प्लस एडिटिव, और एडिटिव इनवर्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव माइनस 13 ओवर 7 आई हमारे पास। प्लस माइनस माइनस वैल्यू माइनस की और प्लस की कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया 0। एडिटिव इनवर्स में इसकी आइडेंटिटी 0 होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या है, 13 ओवर 7 है, इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, 7 ओवर 13 हो जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। अब देखें गिवन वैल्यू 13 ओवर 7 है और दूसरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू 7 ओवर 13 है, मल्टीप्लाई देखा गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू 13 डिवाइड 13 मल्टीप्लाई कैंसिल, 7 डिवाइड और 7 मल्टीप्लाई कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया 1। इसकी आइडेंटिटी क्या आ गई 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ गई 1। ये सब बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, उम्मीद है बेटा आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी, फिर भी कोई भी क्वेश्चन हुआ बेटा आप लोगों का तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा रिवाइज करा दूँगा, और भी किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो बता देना बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।